Organization Association organized an annual general meeting this Wednesday. On this occasion, Hemant Sikka has been appointed as a new president of TMA. He said, "कि आज से मैं TMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ और महिंद्रा के फार्म और ट्रैक्टर बिजनेस का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। TMA जैसा कि आप जानते हैं ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन है और ये एक फोरफ्रंट एसोसिएशन है जो कि ट्रैक्टर्स और मैकेनाइजेशन की जितनी भी कंपनियां देश में हैं उन सबको रिप्रेजेंट करती है और पिछले कई दशकों से TMA ने बहुत अच्छा काम किया है जिससे कि किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है मिस्टर केसवन, आपके ज़रिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने TMA को इतना अच्छा नेतृत्व दिया और अभी जब मैं आ रहा हूँ और कुछ नए कमेटी मेंबर्स आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम का यह लक्ष्य होगा कि किस तरीके से हम भारत सरकार के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करके किस तरीके से हम देश में कृषि को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। आप जानेंगे कि कृषि अगर उन्नति करेगा तो हमारा किसान अच्छा करेगा और अगर किसान अच्छा करेगा तो पूरा देश अच्छा करेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने किसी एक स्मॉल एफर्ट से पूरे TMA के साथ मिलके देश के किसानों के कुछ हित का काम कर पाऊंगा। नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, स्टार्टेड द एनुअल जनरल मीटिंग एंड शेयर हिज व्यूज। केसवन साहब की जगह सिक्का जी ले रहे हैं और आगे वह अध्यक्षता का कारोबार संभालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ केशवन साहब ने इस यात्रा को छोड़ा है, सिक्का साहब पूरी शिद्दत के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें उनको सफलता मिलेगी, ऐसी ईश्वर से इस अवसर पर मैं कामना करता हूँ। TR केसवान, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ TMA, इंटरेक्टेड विद कृषि जागरण एंड ही एक्सप्लेन्ड अबाउट हाउ फार्म मैकेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन फार्मर्स लाइफ। TMA बहुत साल से अभी बहुत छोटा छोटा ट्रैक्टर बनाते हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंट्स भी बनाते हैं। देखो, ट्रैक्टर तो खाली पुल्लिंग करता है, वो और कुछ काम नहीं करता है। वो काम करता है वो इम्प्लीमेंट, उसका पीछे के अटैचमेंट लगाते हैं वो काम करता है। वो तो अभी तो उसके उपलब्धि अभी भी है। ओके, इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसा है, देखो ये छोटे छोटे फार्मर ने ये खरीद नहीं सकता है। ये छोटा फार्मर भी दो टाइप का है, तो छोटा फार्मर है और दूसरा फार्म के लिए काम करने वाला, नहीं तो किराए में लेके काम करने वाला, वो लोग ये खरीद नहीं सकता है। उसको मंत्री जी ने बोला उसको ये सब उपकरण उसको मिलने के लिए ऐसा करना चाहिए, उसके लिए रेंटल स्कीम होना चाहिए। सो वो खरीदने का ज़रूरत नहीं है मगर वो किराए में ले सकता है। अभी समझो आपके पास कार रही है, छोटा आदमी के पास कार नहीं रहती मगर वो टैक्सी बुला सकता है। सब लोग कार रखने का जरूरत नहीं है ना, यही मंत्री बात किया। देखो ये तो किराए में कैसा उसको पहुंचाना, इसके लिए आप लोग एक सोच लो, एक उपाय सोच लो, एक कैसा उसको पहुंचाने का करके, यही बात किया वो हम लोग बहुत कर रहे हैं। अभी हमारा भी कुछ स्कीम चल रहा है, वो फार्मर ने किराए दूसरा फार्मर से भी किराए पे ले सकता है। So, वो उपलब्धि भी अभी चल रहा है। शोमिता विश्वास, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एम्फसाइज़ेस ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। द इवेंट हैज आल्सो विटनेस्ड अ प्रेजेंस ऑफ बिग इंडस्ट्री लीडर्स इंक्लूडिंग एंटनी चेरुकारा, CEO ऑफ VSC ट्रिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड, रवि टोडी, MD ऑफ शिराची, कृष्णन कुमार तिवारी, प्रेसिडेंट एंड CTO ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोनालिका, हिमांशु पुरुषोत्तम मिश्रा, हेड प्रोडक्शन वैलिडेशन इंडिया ट्रैक्टर CNH, VK पुरी, चीफ एग्जीक्यूटिव एक्सकॉर्ट्स एग्री मशीनरी, अरविंद कुमार, हेड ट्रैक्टर बिजनेस फोर्स, मान सिंह जगदाले, एग्जीक्यूटिव मैनेजर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जॉन देरे, एंड सरबजीत सिंह पनेसार, जनरल मैनेजर ऑफ लैंड फोर्स। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मूव टूवर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड दस बिकेम द ट्रैक्टर एंड फार्म मैकेनाइजेशन एसोसिएशन। दिस मीटिंग हैज ब्रॉट टुगेदर मेनी की प्लेयर्स इन द फार्म मैकेनाइजेशन सेक्टर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग कृषि जागरण। थैंक यू।